हम गलती करते हैं तो उसके लिए सॉरी भी बोलना पड़ता है, लेकिन जब भी हम सॉरी बोलते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ तीन शब्द आते हैं, आई एम सॉरी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का लेसन इसी बारे में है। आई एम सॉरी ना बोलिए, बोलिए बेटर वेज ऑफ सेइंग सॉरी। ऐसे कौन से 10 बेटर वेज हैं जो आप यूज कर सकते हैं अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में जब भी आपको आई एम सॉरी बोलना होगा। देखते हैं हमारा पहला फ्रेज। आज का पहला फ्रेज है माई बैड। माई बैड का मतलब ये नहीं होता कि मैं बुरा इंसान हूं। माई बैड मीन्स उप्स, मेरी गलती हो गई। फॉर एग्जाम्पल, माई बैड, आई डिडंट मीन टू ऑफेंड यू। मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कीजिएगा, मेरे ऐसी इंटेंशंस नहीं थी कि मैं आपको ऑफेंड करूं, आपकी डिसरिस्पेक्ट करूं। नेक्स्ट फ्रेज इज, नेक्स्ट एग्जाम्पल, उप्स, आई वॉज द वन हु स्टेप्ड ऑन योर शूज, माई बैड। इमेजिन आप मेट्रो में हैं और बहुत सारी भीड़ है और आप गलती से किसी के शूज पर, किसी के पैर पर चढ़ गए, तो आप बोल रहे हैं माई बैड, माफ कीजिएगा, मेरी गलती। नेक्स्ट फ्रेज इज, आई एम सॉरी बोलने के रिप्लेसमेंट में पार्डन मी, आई बैग योर पार्डन। बैग का यहां मतलब होता है मैं आपसे माफी चाहूंगा, पार्डन मी का मतलब होता है मुझे माफ कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, पार्डन मी, इट वॉन्ट हैपन अगेन। शायद कोई स्टूडेंट अपनी क्लास में टीचर से बोल रहे हैं मुझे माफ कीजिएगा, आगे से नहीं होगा। कोई गलती करी होगी उन्होंने तो वो बोल रहे हैं आगे से नहीं होगा। पार्डन मी एक बहुत ही फॉर्मल फ्रेज है जो आप एक फॉर्मल सेटिंग में, फॉर्मल सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, बच्चों के स्कूल में, किसी बिजनेस कॉन्फ्रेंस में, एटसेट्रा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आईड नेवर पार्डन माई सेल्फ इफ एनीथिंग हैपेंड टू द किड्स। आईड नेवर, आईड यहां पर मतलब है आई वुड। आई वुड का मतलब मैं कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा अगर बच्चों को कुछ हो जाए या फिर अगर बच्चों को कुछ हो जाता। दिस इज पार्डन मी। बढ़ते हैं हमारे अगले फ्रेज की ओर, आई हैड दैट रॉन्ग। आई हैड दैट रॉन्ग का मतलब है कि मैंने शायद गलत समझा, कि मुझसे गलती हो गई, मैंने शायद गलत समझा। आप डायरेक्टली नहीं बोल रहे आई एम सॉरी, लेकिन आप कह रहे हैं शायद मेरी गलती रही होगी। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड दैट रॉन्ग, आई थॉट यू वर स्पीकिंग टू मी। शायद फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान बहुत ही ग्रुप में बोल रहा है, किसी के साथ ग्रुप में बोल रहा है, और उनमें से एक बोलता है मुझे लगा आप स्पेसिफिकली मुझसे बोल रहे हैं। सो आई एम सॉरी, आई हैड दैट रॉन्ग, बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेज है इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम सॉरी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई हैड दैट रॉन्ग, व्हाट्स योर नेम। सॉरी, मुझे समझ में नहीं आया आपका नाम रिदान है या रिदान है, मुझे समझ में नहीं आया। आई हैड दैट रॉन्ग, आप दोबारा से बताएंगे। नेक्स्ट फ्रेज है, प्लीज एक्सक्यूज माई इग्नोरेंस। गाइज, जब भी लोग ये वर्ड यूज करते हैं तो बोलते हैं इग्नोरेंस, नॉट इग्नोरेंस, इट इज इग्नोरेंस। इसका मतलब होता है कि मेरी बेवकूफी या फिर मैंने अटेंशन नहीं दी, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी मतलब मुझे माफ कर दीजिए। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम सॉरी, आप बोल रहे हैं प्लीज एक्सक्यूज माई इग्नोरेंस, मैंने अटेंशन नहीं दी, मुझे उसके लिए माफ कर दीजिए। Please excuse my ignorance. That's the second time I've spilled coffee today. आज दूसरी बार मैंने कॉफी किसी के ऊपर गिरा दी या फिर टेबल गंदी कर दी कॉफी गिराकर। Please excuse my ignorance. मैं अटेंशन नहीं दे पा रहा आज। Next example है, Please excuse my ignorance. I didn't know you lost your job. मैं बहुत खुश था, मैं आपसे बल्ले बल्ले कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप उदास हैं क्योंकि आपकी नौकरी आपके हाथों से चली गई। So Please excuse my ignorance. बढ़ते हैं हमारे अगले फ्रेज की और, अगला फ्रेज है, I take the onus. आप सोच रहे होंगे यहाँ onus का मतलब क्या है? यहाँ onus का मतलब है responsibility. तो इंसान by saying I take the onus, सामने वाला इंसान कहने की कोशिश कर रहा है कि मैं responsibility लेता हूँ जो भी गलत हुआ, जो भी गलत चीज हुई उसकी responsibility मैं लेता हूँ। I take the onus. I take the onus. It won't happen again. शायद किसी और की गलती थी या फिर मेरी ही गलती थी। सो इंसान एक्सेप्ट कर रहा है बोलकर कि आई टेक द ओनस, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आगे से ऐसा नहीं होगा, इट वॉन्ट हैपन अगैन। नेक्स्ट वन इज, आई टेक द ओनस, आई शुड हैव ईमेल्ड यू द रिवाइज प्रेजेंटेशन। मैंने आपको रिवाइज प्रेजेंटेशन, जो नई प्रेजेंटेशन बनाई, नहीं आपको ईमेल करी, और वो मेरी गलती थी क्योंकि वो कल रात को ईमेल करनी चाहिए थी और 12 घंटे निकल चुके हैं ऑलरेडी। सो मेरी गलती है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, आई टेक द ओनस।
दिस वॉज अबाउट आई टेक द ओनर्स। बढ़ते हैं हमारे अगले फ्रेज की ओर जो आप आई एम सॉरी की रिप्लेसमेंट में यूज कर सकते हैं, और वो है प्लीज डोंट बी मैड एट मी। इसका मतलब ये हुआ आप डायरेक्टली नहीं बोल रहे आई एम सॉरी, लेकिन आप बोल रहे हैं कि प्लीज मुझ पर गुस्सा मत कीजिएगा। डोंट बी मैड एट मी, मुझ पर गुस्सा मत कीजिएगा। प्लीज डोंट बी मैड एट मी, आई ब्रोक योर कॉफी मग। अभी रिसेंटली मैंने बहुत एक्सपेंसिव कॉफी मग खरीदा था और गलती से मेरी सिस्टर ने उसे तोड़ दिया, टेबल से गिरा दिया। सुशीत सिंह, प्लीज डोंट बी मैड एट मी, मुझ पर गुस्सा मत कीजिएगा, लेकिन मुझसे वो एक्सपेंसिव कॉफी मग टूट गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है प्लीज डोंट बी मैड एट मी, आई स्क्रैच द कार्स बम्पर व्हाइल रिवर्सिंग द कार। कार रिवर्स हो रही थी और मैंने नहीं देखा कि पीछे एक और गाड़ी खड़ी थी, उसकी वजह से बम्पर में स्क्रैच आ गया। प्लीज डोंट बी मैड एट मी, मुझ पर गुस्सा मत होइएगा। सो आई एम सॉरी, प्लीज डोंट बी मैड एट मी। अगला फ्रेज है हाउ थॉटलेस ऑफ मी, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इस बारे में नहीं सोच पाया, कितनी बुरी चीज हुई, कितनी बुरी बात है। हाउ थॉटलेस ऑफ मी, कि मैंने कंसिडर ही नहीं करा कि आप क्या बोलना चाहते थे या फिर इस सिचुएशन के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, हाउ थॉटलेस ऑफ मी बट समथिंग हैज कम अप एंड आई मस्ट लीव राइट अवे। शायद दो लोग एक डिनर पर हैं, इंपॉर्टेंट डिनर है, और सडनली एक इंपॉर्टेंट कॉल आई और मैसेज आया दैट आपको इमीडिएटली एक सिचुएशन में प्रेजेंट होना है। उस सिचुएशन में जो इंसान जा रहा है डिनर छोड़कर बोल रहा है हाउ थॉटलेस ऑफ मी, मुझे नहीं पता था ये काम इमीडिएटली आ जाएगा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे डिनर छोड़कर जाना होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जाम्पल की ओर, हाउ थॉटलेस ऑफ मी यू इन्वाइटेड एंड आई फॉरगॉट। कि आपको एक पार्टी में इन्वाइट करा गया था और आप भूल गए उस पार्टी में जाना, शायद आप बहुत बिजी थे, नहीं ध्यान रहा। उस सिचुएशन में आप बोल रहे हैं हाउ थॉटलेस ऑफ मी, आई एम रियली सॉरी कि मैं आपकी पार्टी को नहीं अटेंड कर पाया। बढ़ते हैं हमारे अगले फ्रेज की ओर, आई'd लाइक टू एक्सप्रेस माई रिग्रेट फॉर। यहाँ रिग्रेट का मतलब है अफसोस, मैं अपना अफसोस व्यक्त करना चाहूँगा। I'd like to express my regret, बहुत formal phrase है जो आप use कर सकते हैं अपनी day in and day out formal situations में। For example, the students wrote a letter expressing their regret for speaking rudely. शायद students ने college में अपने teacher से rudely बात करा होगा and उसी के चक्कर में उन्हें एक important apology letter लिखना पड़ा, और उस apology letter में वो बोल रहे हैं I'd like to express my regret for, मैं अपना अफसोस व्यक्त करना चाहूँगा रूट बात करने के लिए। बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर, टू माय फ्रेंड्स एंड फैमिली आई'd लाइक टू एक्सप्रेस माय रिग्रेट फॉर द लाइज आई हैव टोल्ड। शायद एक इंसान ने बहुत से झूठ बोले और आखिर में वो सारे झूठ पकड़े गए। सो इंसान ने सोचा कि इग्नोर करने की बजाय बेहतर है कि मैं अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करूँ। सो वो सबके सामने बोल रहे हैं आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई रिग्रेट्स फॉर, मैं अपना अफसोस व्यक्त करना चाहूँगा जो जो झूठ मैंने बोले उन सबको लेकर। बढ़ते हैं हमारे अगले एक्सप्रेशन की ओर, वूप्स। वूप्स एक स्लैंग है जो बहुत ही कैजुअली यूज करा जा सकता है इंस्टेड ऑफ सेइंग सॉरी। फॉर एग्जांपल, वूप्स आई डोंट थिंक यू अंडरस्टूड माय पॉइंट। माफ कीजिएगा, मुझे नहीं लगता कि आपने मेरा पॉइंट समझा। शायद मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन आप कुछ और ही समझ बैठे, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। सो सामने वाला करेक्ट कर रहा है बोलकर, वूप्स आई एम सॉरी, आई डोंट थिंक आपने मेरा पॉइंट समझा जो मैं कहना चाहता था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वूप्स आई ड्रॉप्ड योर फोन, गलती से मेरे हाथ से आपका फोन गिर गया, आई एम सॉरी वूप्स। ये एक तरह का एक्सक्लेमेशन है जो सॉरी को रिप्लेस कर यूज करा जाता है, और आप इसी एक्सप्रेशन को अपनी डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे आखिरी और वेरी इंटरेस्टिंग फ्रेज की ओर, मिया कल्पा। मिया कल्पा दूसरी भाषा से आता है, लैटिन भाषा से आता है, लैटिन इंग्लिश से आता है, और इसका मतलब होता है आई एम सॉरी। आई थिंक सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फ्रेज इस लेसन में मुझे लगता है मिया कल्पा, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है बोलने का आई एम सॉरी। थोड़ा सा फॉर्मल भी है तो आप इसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू डिडेंट लाइक दैट देन मिया कल्पा। शायद मैंने डिनर प्रिपेयर करा था बहुत ही लोगों के लिए और उन सबके एक्सप्रेशंस कुछ नॉर्मल रहे, ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखाई। सो मैं बोल रहा हूं मिया कल्पा आई एम रियली सॉरी, लैटिन इंग्लिश में आई एम रियली सॉरी मिया कल्पा। आई हैव सेड मिया कल्पा 1,000 times फॉरगेटिंग हर नेम रॉन्ग एवरी टाइम। शायद मेरी दोस्त का नाम है साशा लेकिन मैं हमेशा बोलता हूं शाशा या शासा, और हमेशा उसके लिए मुझे माफी मांगनी पड़ती है क्योंकि मेरे मुंह पर उनका नाम सही से उसकी प्रोनंसिएशन सही से नहीं आती, तो मैं बोलता हूं मिया कल्पा। दिस वॉज ऑल अबाउट
all the ways in which you can say I am sorry in today's session. 10 different ways जिसमें आप I am sorry का use कर सकते हैं. मैं आपसे जल्द मिलूंगा एक और नए interesting English lesson में. तब तक सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए. Keep learning, be connected.